70s में जब मैं 73 में मिशिगन गया मास्टर्स करने के लिए, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, एक दो वाकयात अजीब से हुए। मेरा जो उस्ताद था हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो कहने लगा मेरा वीकेंड ज़ाय हो गया। तो मैंने उसको पूछा क्यों ज़ाय हो गया, कहने लगे इस वजह से ज़ाय हो गया कि मैं अपने बाप को एक ओल्ड होम से दूसरे ओल्ड होम में जाकर मैंने उसको ट्रांसफ़र किया। और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि 73 में जब वो ज़माना आ रहा था कि उसने कहा कि मेरा वीकेंड ज़ाय हो गया क्योंकि मैंने अपने बाप की ये खिदमत कर दी। बर्ट्रेंड रसल ने एक किताब लिखी थी, अब मुझे उसका सिर्फ टाइटल याद रह गया क्योंकि 60s में मैंने पढ़ी थी, मैरिज एंड मॉरल्स इन सोसाइटी। और उसने ये कहा था कि ये ज़माना जिस अंदाज से आ रहा है, इसमें अकदार जो हैं वो पीछे चलती चली जाएंगी, हर शख्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी में और अपनी आमदनी में इतना फंस जाएगा कि हर चीज़, शादी, ख़ानदान, ये सब चीज़ें चैलेंज हो जाएंगी। हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कानून पास करना पड़ा, ज़रा देखिए ना, मतलब वो ज़माना भी आ गया। पाकिस्तान के अंदर एक कानून पास करना पड़ा जो 6-8-10 महीने पहले पास हुआ। उसके अंदर ये था कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की कदर ना करे, उनको उनके घर से निकाले या ऐसी कोई कैफियत पैदा हो तो स्टेट बीच में जाएगी। ये तो माशरे का काम था, माशरा ऐसी तरबियत देता था, माशरा एहतमाम करता था, ख़ानदान वाले एहतमाम करते थे कि बेगैरत तुमने ऐसा काम किया क्यों, ये स्टेट को तो यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब देयर इज़ अ चेंज हैपनिंग इन सोसाइटी। और बच्चों आप तो याद रखो, ये चेंज जो है ये ज़हनी चेंज है, इसको चेंज करने के, इसको ठीक रखने के लिए देखो कमाएं, मेहनत करें, कोई इस चीज़ से नहीं रोक सकता, मगर जब मोहब्बतों को निकाल दोगे अपनी रिलेशनशिप से तो खुद भी परेशान रहोगे, खुद भी स्ट्रेस में रहोगे और माशरों के अंदर वो तनाव पैदा होगा कि अपना मैं अकेला मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। नतीजा क्या है, लेट मी मैंशन टू यू समथिंग विच केम टू माई नॉलेज ओनली अबाउट 1 or 2 months ago, और मैंने असेंबली के अंदर जो तकरीर की उसके अंदर भी इस बात को शामिल किया। इतना स्ट्रेस है सोसाइटी में, इतनी परेशानी है सोसाइटी में कि फिगर्स ही नहीं थे कोई। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिगर दिया कि 24% लोग एक वक्त में किसी परेशानी में मौजूद हैं, जिसको स्ट्रेस कहते हैं। ये दूसरी बात है कि अगर इस परेशानी में उनको घर में लोग शेयर कर लें, घर में देखो जॉइंट फैमिली में खूबसूरती थी, घर में लोग शेयर कर लें, जब अकेला हो जाता है तो किसी से शेयर भी नहीं करता, घर में लोग शेयर कर लें तो वो परेशानी कम हो जाती है। लिहाजा आजकल मैं फिर इस बात पर मेहनत कर रहा हूँ, जैसे मिसेस समीना अलवी ने ब्रेस्ट कैंसर को फोकस करके 3-4 चीज़ों पर लाए, मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेस है माशरे में इसको काबू किया जाए। मगर एक फिगर उसमें और भी बड़ा अलार्मिंग था, वो अलार्मिंग यह था कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और असातिज़ा के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि 60-80% ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर अंडर स्ट्रेस। ऐसी क्या कैफियत है, इल्म की तलाश के अंदर ये ज़हनी परेशानियां कैसे आ गईं, ये कैसी मशीन है जिस पर हमने इनको डाल दिया, जिसके अंदर ये मुसलसल भागते रहे और दिमागी तनाव के अंदर मुब्तला हो। नतीजा क्या है, ये फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर हमने इनकी मशीन, रोजी कमाने की मशीन के ऊपर इनको इतनी एक्सरसाइज करवाई कि जिंदगी भर ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे, सिर्फ रोजी के पीछे भागेंगे। तो ये बैलेंस जो है, ये जरूर मेरे पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि आप लोग बड़ी मेहनतें करें और दूसरों का, दुनिया का मुकाबला करें, मगर जिंदगी में एक बैलेंस रखना भी बड़ा जरूरी है, जो मैं आपसे कह रहा हूं। 60-80% ऑफ स्टूडेंट्स वर अंडर स्ट्रेस। और जो आप अखबार में कभी कभी खबरें से देख लेते हैं ना कि माँ ने बच्चों को मार दिया, ये हुआ, ये तो सिर्फ वो बॉम्ब्स हैं जो टिप ऑफ द आइसबर्ग पे जाकर एक्सप्लोड होते हैं, बाकी माशरे में जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए और आपके लिए परेशानी का बायस है।